गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई फिटर एम के माध्यम से आईटीआई ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक मिनी एमएसक्यूएफ लेवल 5 सेमेस्टर सेकंड जॉब एक्सरसाइज नंबर 108 जॉब नेम मेक एक्सटर्नल वी ट्रेड पेज नंबर 144 में जो जॉब है वह कंप्लीट होने पर किस प्रकार दिखाई देगा इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। बुक निमी फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर एनएसक्यूएफ लेवल 5 पेज नंबर 144 एक्सरसाइज नंबर 2.3.108 जॉब नेम मेक एक्सटर्नल वी ट्रेड। इस जॉब का नाम मेक एक्सटर्नल वी ट्रेड है। ये हमारा जॉब मेक एक्सटर्नल वी ट्रेड है जिसे दिए गए ड्राइंग के अनुसार लेथ मशीन पे कंप्लीट करते हैं। जैसे 90 mm में इस भाग को कंप्लीट करते हैं, 15 mm में इस भाग को, 27 mm डायमीटर में इस भाग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ 1.5 × 45 degree इंडिकेट कर रहा है, इस भाग को तिरछा कटिंग करना है 1.5 mm में और 45 डिग्री में। इसी तरह 1.5 × 45 degree में इस भाग को भी तिरछा कटिंग करना है। यहाँ 50 mm इंडिकेट कर रहा है इस जॉब पे काटे जाने वाले थ्रेड की कुल लंबाई 50 mm है और M22 × 2.5 ये इंडिकेट कर रहा है M22 काटे जाने वाले एक्सटर्नल थ्रेड का डायमीटर है और इसके ऊपर पिच 2.5 है। पिच मतलब होता है दो दांतों की बीच की दूरी को पिच कहते हैं, जिसकी माप 2.5 mm है। इसे भी हम लेथ मशीन पर कटिंग करते हैं और इसे स्क्रू पिच की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। स्क्रू पिच पे यहाँ 2.5 इंडिकेट है, ये हमें इस प्रकार सेट करते हैं तो पूर्ण रूप से सेट हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि इस पे कटा हुआ थ्रेड पूर्ण रूप से सही है। इस प्रकार हमारा जॉब मेक एक्सटर्नल वी थ्रेड पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और इस प्रकार हमें दिखाई देगा। इस जॉब का नाम मेक एक्सटर्नल वी थ्रेड इसलिए रखा गया है क्योंकि जो थ्रेड कटा हुआ वह बाहरी सतह या एक्सटर्नल सतह पे कटा हुआ है, इसलिए इस जॉब का नाम मेक एक्सटर्नल वी थ्रेड रखा हुआ है, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट होने पे इस प्रकार दिखाई देगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।